हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों और आपके कैट्स भी खैरियत से हों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कैट्स ग्रेवी पर है। आज मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी कैट्स को कौन सी ग्रेवी खिलाता हूँ और कौन सी ग्रेवी मेरी मेरी कैट्स के लिए बेस्ट है। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास जो ग्रेवीज हैं वो विस्कस है, मूची है और म्यू है, बेलोटा है, रॉयल कैनिन है। ये 5 वेराइटीज़ ही मैं अपनी कैट्स को देता हूँ क्योंकि मेरी कैट्स ये बहुत अच्छे से खाती हैं और मार्केट के अंदर इनके अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं, जैसे टूना, सेलमॉन, चिकन और टेस्टी मिक्स। आजकल न्यू न्यू फ्लेवर भी आने लगे हैं मार्केट में, सब अवेलेबल है, लेकिन मेरी कैट्स यही फ्लेवर पसंद करती हैं तो मैं उनको यही फ्लेवर देता हूँ। वैसे मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मना करते हैं कि हमें कैट्स को ग्रेवी नहीं खिलाना चाहिए, और काफ़ी बहुत सारे लोगों को ग्रेवीज पसंद भी रहती हैं क्योंकि उनकी कैट्स ये बहुत अच्छे से खाती हैं। और जो मैंने जो भी कैट्स ओनर को अगर डेली का एक ग्रेवी का पाउच भी खिलाते हुए देखा है तो उनकी कैट्स बाकी के कैट्स से बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्दी रहती हैं। और मैं अगर आपको बताऊं मैं ग्रेवी कैसे खिलाता हूं तो मैं ना ये डे बाय डे उनको अलग अलग कंपनी की और अलग अलग फ्लेवर में चेंज करके खिलाते रहता हूं। तो इससे उनको क्या है कि एक ही फ्लेवर की कभी आदत नहीं डलती और वो हमेशा ही अच्छे से खाती हैं और कभी भी खाने में बोर नहीं होती, क्योंकि होता ऐसा है कि अगर हम डेली एक एक चीज़ खिलाते हैं तो कोई भी हो, भले ही चाहे वो हम हो या कैट्स हों, वो खाते खाते बोर हो जाती हैं तो वो अच्छे से खाना छोड़ देती हैं। और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वेट गेन होता है। और अगर आप किटिन को देते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि किटिन को 3 या 4 महीने से अगर हम कैट्स ग्रेवी देना स्टार्ट करते हैं तो उसका वेट भी अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है, और आगे जाके जब वो एक एडल्ट कैट में आता है तो हमें लगता है कि हमने उसको कितने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट्स का कोट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप रॉयल कैनिन की इंटेंस ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके रिजल्ट 100% देखे हैं, वो भी अपनी खुद की कैट में मैंने देना स्टार्ट करी थी तो मेरी कैट का जो कोट था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, शाइनिंग आ गई थी, कैट के अंदर हेयर फॉल कम हो गया था और वो बाल जो रहते हैं ना उसके थोड़ी घने हो गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट का जो कोट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए तो आप रॉयल कैनिन की इंटेंस ब्यूटी दें, इसके रिजल्ट आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक ही दें या हफ्ते महीने में दो दें, हमें डेली देना पड़ेगी जब जाके हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए डेली देने के बाद तो आप उसको डेली दें, नहीं तो हफ्ते में 4 बार तो दें। वैसे मैं आपको फिर बताऊं तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन वेराइटीज़ में से अगर आपकी कैट्स को कोई और सी वेराइटी की ग्रेवी दे रहा हूं और अगर आपकी कैट्स में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो तो प्लीज़ ये बिल्कुल चेंज ना करें उसकी ग्रेवी, क्योंकि ऐसा होता ना कि अगर हम एकदम चेंज कर देते हैं तो एकदम चेंज कभी भी किसी को सूट नहीं करता, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो। तो एकदम चेंज ना करें, और अगर आप देना ही चाहते हैं इन वेराइटीज़ में तो आप उसको धीरे 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 चेंज करें, और जब वो एक प्रॉपर आपको लगे कि हाँ हमें देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो फिर उसका एक रूटीन बना लें कि हमें अब उसको ऐसी ही डाइट देना है। और रही बात मना करने की, तो हर इंसान अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ उसकी कैट के साथ फेस करा होगा जब भी वो मना कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी कैट्स के अंदर तो कुछ ग्रेवी देने से दिक्कत दिखी नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही कैट शौक के लिए ली थी और मुझे मेरा शौक जो है वो मैंने मेनटेन करा हुआ है, क्योंकि मुझे चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ शौक करा है तो वो दिखे। और शौक जब भी दिखता है जब हम उसको खूब अच्छे से मेंटेन करके रखें, अच्छे से खिलाएं, अच्छी उसकी डाइट बनाएं। तो मैंने स्टार्टिंग से कैट्स ग्रेवी दी है और कैट्स ग्रेवी से आज तक मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखी है। मैं चिकन बॉयल करके भी देता हूँ, लेकिन चिकन बॉयल करके मैं भी हफ्ते में 3 दिन देता हूँ क्योंकि मैंने उनकी डाइट बना के रखी है। ग्रेवी भी देता हूँ और मैं चिकन भी देता हूँ, और आप भी अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं दें, क्योंकि अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा भी देते हैं तो हमें उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कैट्स एकदम अगर उनको कुछ नया मिलता है खाने के लिए तो एकदम ज़्यादा खा लेती हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम उनको कम से और कम ही आप दें। भी अपनी कैट्स को अच्छी डाइट देना स्टार्ट करें, क्योंकि हमने कैट्स जो ली हैं वो हमने हमारे शौक के लिए ली हैं, और शौक जब ही दिखता है जब हम उसको अच्छे से मेंटेन करें। और अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमें भी कैट्स रखने का अलग ही मज़ा आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट्स अच्छी ग्रोथ के अंदर, अच्छे वेट के अंदर हैवी दिखें, तो आप उनके लिए एक अच्छी डाइट स्टार्ट करें, क्योंकि शौक करना हो तो उसको एक अच्छे लेवल पे करो। क्योंकि कैट लेना तो आसान बात है और उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शौक भी एक अच्छे लेवल पर दिखे तो आप अपनी कैट को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। और अब हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चले कि आपकी कैट्स के लिए क्या बेस्ट है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।